गाइज ये रहा कुछ बाहर का एक्सटीरियर था हमारे घर का, ठीक है। पेंट वेंट हमने करा दिया रेड, आपको बता। यहाँ पे हमने जिम पूरा लगवा लिया, आप देख सकते हो सारे एक्सरसाइज के यहाँ इक्विपमेंट। देखो तो फाइट चल रही है यार, एक अंदर फाइटर है भाई, तो आप उसकी बॉडी देख लो यार। हेलो GTA लवर, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5। तो गाइज लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बोला था कि हाँ भाई मेंशन ले लो, जो हमने मेंशन देखा था बिग माफिया का। तो गाइज फाइनली मैंने मेंशन को परचेस कर लिया, और गाइज आपके लिए इस वीडियो में सरप्राइज भी है। सरप्राइज ये है गाइज कि उस मेंशन को हमने पेंट भी करा दिया, ठीक है, मॉडिफाई करा दिया एक तरह से तुम बोल लो। मतलब मेंशन तुम देखोगे भाई पागल हो जाओगे, बहुत ही खतरनाक मेंशन है। मतलब पूरे रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब इतना सही लग रहा है पेंट उसका, आप देखोगे बहुत ही खतरनाक सीन है। तो आप देख सकते हो अभी फ्रैंकलिन अभी स्मोकिंग कर रहा था, तो अभी जा रहे हम सीधा मेंशन पे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं फिर डायरेक्ट मेंशन पे और देखते हैं क्या सीन है वहां पे। वहां पे हमने मिरर वर्क्स भी करवाया, ठीक है, पूरे कमरे में मिरर लगाया, और हमने जिम भी वहां पे लगवा लिया गाइस। तो वहां पे अब हम जिम भी करेंगे। तो आप चेकआउट करो गाइस, इसके कपड़े देखो भाई, मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही, अभी दो तीन दिन पहले ही शॉपिंग किया, तो आप गाइस चेक कर सकते हो। नीचे शूज चेक करो, नाइकी के शूज है। ओके गाइस आप यहाँ से शूज चेक करो, शूज बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, और लोअर भी काफी सही लग रहा है। तो फ्रैंकलिन ने अपने पे खर्च करने लगा, और गाइज आप इसके हेयर स्टाइल्स भी देख सकते हो, काफी सही हेयर स्टाइल करा रखा है फ्रैंकलिन ने गाइज। तो मेरे को तो इसके स्नीकर्स काफी सही लग रहे हैं गाइज, तो भाई बाल तो काफी सही है। तो गाइज चलो फिर चलते हैं हम अपने मेंशन पे। तो ये रही हमारी रेंज रोवर, तो भैया रेंज रोवर में बैठते हैं और चलते हैं गाइज। तो भाई पिछले वीडियो में आपने काफ़ी सपोर्ट किया था, आपने कमेंट में काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया था कि हाँ मुझे मेंशन ले लेना चाहिए। तो फाइनली मैंने मेंशन तो बाइक कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने मॉडिफाई करा दिया, तो उसका लुक काफ़ी इनहेंस हो गया गाइज। तो आप देखोगे तो भाई साहब बोलोगे मस्त है। और गाइज ये भी नीचे कमेंट आज की वीडियो में करो कि ये रेंज रोवर को मैं मॉडिफाई कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि आप देख सकते हो रेंज रोवर की स्पीड जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट लुक काफ़ी अच्छा है। तो आप बोलोगे तो मैं कलर भी चेंज करा लूँगा, थोड़ी मॉडिफाई भी करा लूँगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा गंदा जाता है। आप खुद अभी वाली वीडियो में देखना स्पीड कितनी इसकी कम है, ठीक है गाइज। तो थोड़ा बैक करते हैं और सीधा चलते अपने लोकेशन पर, अपने मैंशन पर, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ तो यहाँ कोई ना कोई तो पास होते ही रहता। चलो कोई बात नहीं, हम चल ले सीधा। तो चलो भैया रेंज रोवर लेकर अपनी हम चले सीधा डायरेक्ट मेंशन पे। तो गाइस कुछ लोगों ने बोला कि हाँ मुझे अपनी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, जो मैंने बोला था एवेंजर्स की सीरीज मैं अपनी स्टार्ट करूँगा। तो गाइस कुछ दिनों में ही, दो तीन दिन, जब तक ये वाली चीज़ चल रही है, जो कंसेप्ट चल रहा है, ये जो स्क्रिप्ट चल रहा है अभी GTA 5 में, ये फ्रैंकलिन का जो नया मेंशन हो गया है, मेंशन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है वो कंप्लीट होते ही मैं वो एवेंजर वाली सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और मैं सच बता रहा हूँ गाइज, मतलब ऐसी सीरीज आपने कहीं नहीं देखी होगी, जो आपने एवेंजर, जितने भी आप एवेंजर्स के फ़ैन हो, सही में आप बहुत खुश हो जाओगे। मतलब पूरी जो मूवी है एवेंजर्स की, तीन पार्ट है पूरे मिलते रहेंगे, ठीक है, एवेंजर फर्स्ट वाला जो है, सेकेंड, और एवेंजर्स द एंड गेम, ठीक है, ये सारे मिलते जुलते रहेंगे। मतलब पूरी कहानी, मतलब वैसे ही मैं कोशिश करूंगा GTA 5 में चलाने की, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी। सारे कैरेक्टर्स को मैं लाऊंगा, स्पाइडरमैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, एंड जो भी आपके फेवरेट्स है, हल्क हो गया, या फिर जो भी आपके फेवरेट, तो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, जितने पॉसिबल होंगे वो तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी सुबह का वक्त हो रहा है, और टाइम शायद हो रहा है 11 बज रहा सुबह का, ठीक है, मेरे को अभी टाइम नहीं पता, तो सुबह के 11 बज रहे GTA 5 के अंदर। तो अभी हम सीधा चलते हैं अपने मेंशन पे। आप देख सकते हो स्पीड इसकी इतनी अच्छी जा नहीं रही रेंज रोवर की, 92 मतलब वही 130 जाती है इसकी स्पीड मैक्सिमम, ठीक है। तो आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, मेरे को इस गाड़ी को मॉडिफाई करानी चाहिए नहीं भाई, मैं सोचा इसके इंजन को मॉडिफाई करा दूँ, और कलर मुझे लगता है कि वाइट ब्लैक का काफ़ी सही कॉम्बिनेशन है। आप नीचे कॉमेंट करोगे तो कलर भी चेंज करा देंगे, और जो कलर बोलोगे वो भी कलर। और गाइज मैं सोच रहा हूँ इसके जो लाइसेंस प्लेट है उसे भी थोड़ा चेंज कराओ, मतलब ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे नाम होना चाहिए किसी का। आप लोगों में से ही किसी का नाम होगा तो नीचे कमेंट करो भाई, किनको यहाँ पे अपना नाम चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर प्लेट पे मैं उनका नाम लगा दूंगा, ठीक है, जो गाइज आप बोलेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं सीधा मेंशन पे। ये पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वाले रास्ते में मैं जब भी जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है गाइज, और बहुत ही परेशानी होती है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सही जगह पे लिया नहीं लिया, पैसे तो हमने दे दिए पूरे, मतलब आपको पता ही है मैलाबू मेंशन काफ़ी महंगा मेंशन है, फिर भी हमने इसे ले लिया, बाई कर लिया, ठीक है। तो गाइस लास्ट वीडियो के कमेंट में एक भाई ने बोला था शाउट आउट देने के लिए, तो उनका नाम है ठग गेमिंग, ठीक है, तो भाई साहब लो
आपका नाम दे दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लाइसेंस प्लेट पे नेक्स्ट वीडियो में ठग गेमिंग की नेमिंग करा दूँ यहाँ पे। तो गाइज़ आप नीचे कमेंट करते रहो जिनको मतलब यहाँ पे नेमिंग लिखना है अपना, ठीक है। ये जो लाइसेंस प्लेट आप देख रहे हो पीछे रेंज रोवर के जस्ट नीचे, वहाँ पे उनका नाम आएगा, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करते जाओ जिनको भी यहाँ चाहिए, जिनका फर्स्ट नेम आएगा, जिनका फर्स्ट कमेंट आएगा उसका अगले वीडियो में रहेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब उनका फर्स्ट कमेंट रहेगा तो उनकी चाहे कोई भी गाड़ी हो, रेंज रोवर हो, फिरारी हो, लैम्बोर्गिनी शियानो, टेरेज़ो, कोई सी भी गाड़ी जो भी मैं लेके चलूँगा उन पे उनका नाम रहेगा, जिस जो बंदे फर्स्ट कमेंट करते हैं, ठीक है, अपने नाम के कि भाई मेरे को यहाँ पे अपने नाम चाहिए। तो गाइस सरप्राइज यहाँ देख सकते हो 7709। और ये देखो लीवरी पूरे घर की चेंज हो गई भाई, सब पूरे पेंट हमने चेंज करा दिए, बहुत ही सही लग रहा है रेड और वाइट का। तो आपको पहले तो मैं पूरा दिखाऊंगा, इंटीरियर में भी बहुत ही चेंजिंग हुई है गाइस। आप देख सकते हो पिछले इंटीरियर में हमने मिरर नहीं लगाया था, हमारे पास जिम नहीं था, बट इस बार हमने इंटीरियर में जिम मंगा लिया, ठीक है। घर के अंदर जिम आ गया है, जिम के सारे कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स आ गए, बाकी ये गैराज के अंदर का कुछ चेंज नहीं है। तो गाड़ी को तो पहले अंदर लगा देता हूँ मैं, ओके। तो गाड़ी को मुझे ये नहीं समझ आता गैराज में ये टीवी लगी थी या सामने, पता नहीं जो भी है। तो आप देख सकते हो बाहर से तो काफ़ी सही लग रहा है गाइस, ये रेड बहुत ही सही है। पहले आप कमेंट एक बार देख लो, मैं ड्रोन शॉट से आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये कलर अच्छा लग रहा है या फिर वाइट ही पूरा सही था, जो वाइट वाइट मार्बल्स थे वो सही थे या फिर रेड और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो आपको मैं चारों तरफ से घर का व्यू दिखाता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है घर गाइस, सब बहुत ही सही लग रहा है फ्रंट से तो। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, फ्रंट से ज़्यादा इसका बैक जो घर का है ना वो काफ़ी खूबसूरत है। पता नहीं ये बनाने वाले ने कैसे बना दिया है, ये व्यू उधर भी होना चाहिए था, मतलब फ्रंट से घर उतना खास नहीं था, लेकिन बैक से देखो भाई मतलब इतनी महंगी मैंशन लगती है भाई। और कलर बताओ आप कि सही लग रहा है नहीं लग रहा है, रेड वाला रेड लेवरी सही लग रही है या फिर वाइट वापस करा दूँ। बाकी मेरे को तो सही लग रहा है, आप नीचे जैसा कमेंट में करोगे वैसा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज ये रहा कुछ बाहर का एक्सटीरियर था हमारे घर का, ठीक है। पेंट वेंट हमने करा दिया, रेड आपको बता ही दिया। बाकी इसमें और कुछ चेंज कराना है तो ये भी मुझे बता देना, इंटीरियर में कुछ चेंज करानी हो या फिर एक्सटीरियर में कुछ ऐसा वैसा कराना हो या हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी आप बोल रहे हो वो सब आ जाएगा इससे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि घर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये हम कहीं घर के अंदर आ चुके हैं, फिलहाल इधर तो कोई सीन उतना खास है नहीं, इधर कुछ चेंजिंग है नहीं, जस्ट जो भी चेंज हमने कराया वो बेडरूम में कराया और ऊपर एक जिम है, जिम का रूम है तो उसमें कराया, ठीक है। इधर कुछ चेंज नहीं, इधर बस देख सकते हो सामने को वो रेड वेड आपको कलर दिखेगी वॉल की जो कि बाहर एक्सटीरियर है, ठीक है। बाकी मैं चलता हूँ आपको ऊपर लेके स्टेयर्स के थ्रू और वहाँ पर दिखाता हूँ अपना बेडरूम और बाकी का एरिया। तो अब अभी मैं एक दो दिन अभी उधर से ही आते रहूँगा क्योंकि अभी हमारे पूरे सामान शिफ्ट नहीं है, मुझे चॉप को भी वापस लाना है, ठीक है। तो चॉप को भी यहाँ पे लाकर हम रखेंगे, बाकी मैं अपनी आंटी से बात करूँगा जो वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो पुराने वाले घर पे हमारी रहती है तो उनसे भी बात करूँगा। तो गाइज आप देख सकते हो ये रहे हमारे सामने जिम, ओ भाई साहब ये देखो भाई, ओके गाइज। तो यहाँ पे हमने जिम पूरा लगवा लिया, आप देख सकते हो सारे एक्सरसाइज के यहाँ इक्विपमेंट्स हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हो वेट्स भी है काफ़ी सारे। और ये देखो सामने मिरर हमने लगाया गाइस, तो यही मिरर की बात कर रहा था मैं, ये मिरर लगाने में काफ़ी महंगा मतलब काफ़ी पैसे लग गए, पूरे चारों तरफ मैंने ये मिरर लगवाया। बाकी यहाँ से मेरे को लगा कि अभी इधर सामने हम जा सकते हैं बट यहाँ पे एक मिरर लगाया। तो गाइस काफ़ी सही छोटा सा जिम है, फ्रैंकलिन का पता ही आपको कि तीनों में ट्रेवर फ्रैंकलिन और माइकल में फ्रैंकलिन की बॉडी सबसे फिट है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन तो जिम करता तो भाई साहब इसके घर में तो एक जिम होना चाहिए था। बाकी बेडरूम का सीन जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हमने बाथरूम में लगवा लिया, ठीक है। वॉशरूम में हमने एक लगवाया, ठीक है। आप मिरर देख लो यहाँ, पहले आप देखोगे पहले वाली वीडियो में नहीं थी, यहाँ पे हमने मिरर ये लगवा लिया सामने जो देख रहे हो। तो मिरर वर्क हमने कराया, ठीक है, पता नहीं माफिया ने नहीं कराया था बट हमने इसे मॉडिफाई इस घर को करा दिया, ठीक है। तो इसमें मिरर्स वगैरह भी आ गए हैं, बाकी जिम तो मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी दूसरे कमरे में एक देख लो सब मैं वही सेम सीन है, बाथरूम में ही लगाया था, ठीक है गाइस। तो आप देख लो, हेलो, ओके लेस्टर, ठीक है ठीक है लेस्टर, मैं चला जाता हूँ लोकेशन पर, ठीक है भाई, ठीक ठीक ओके। तो गाइस अभी मुझे लेस्टर का कॉल आया था और लेस्टर कह रहा था भाई साहब मतलब लॉस सैंटोस में तो बहुत ही खतरनाक सीन हो रखा है। मैंने पूछा भाई क्या हुआ है, तो उसने बोला कि वहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, हाईवे के नीचे, हाईवे के नीचे जो है वो माफिया का गैंग है, वहाँ पे बेलास गैंग, ग्रीन गैंग, सारे गैंग आए हुए, ठीक है। और वहाँ पे एक फाइट चल रही है, जो जीतेगा उसको मतलब बहुत मिलियन ऑफ डॉलर्स पैसे मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो है वहाँ पे मार भाई मतलब अच्छे अच्छे लोगों को, लॉस एंटोस के अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा है। तो गाइज अभी हम जाने वाले वहीं पे, बाकी
ओके गाइस दादा, आप देख सकते हो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, यहाँ तक शूज भी चेंज कर लिया है और टी शर्ट और नीचे का पैंट भी चेंज कर लिया, इसलिए हमने चेंज कर लिया भाई साहब। महंगे कपड़े पहन के जाएंगे तो वहाँ डाउट हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे मतलब इधर उधर के एरू गैरू सब है, ठीक है, मतलब कह सकते हो रोड पे रहने वाले जो भी रहते हैं वही गुंडे उंडे हैं, तो वहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो उन्हें डाउट हो जाएगा भाई साहब कि ये बंदा कहाँ से आ गया। तो फिलहाल मैं अपनी रेंज रोवर भी ले जा रहा हूँ, आपको पता ही है रेंज रोवर वहाँ ले जाएंगे तो सबकी नज़र हो जाएगी, भाई साहब क्या पता चोरी वोरी करा दे। तो अभी सोचा मैं बाहर से ही गाड़ी को ही उठा लेता हूँ, किसी की गाड़ी छीनता हूँ वहाँ से डायरेक्ट चलता हूँ। और लेस्टर ने मुझे एक वार्न भी किया है कि गाइस बहुत ही सही से मेरे को वहाँ जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे जो भी नया बंदा आता है, ठीक है, उसे या तो उन्हें किडनैप कर लेते हैं जिनके पास पैसे है, क्योंकि वहाँ पे होता है कि आपको पैसे लगाने रहते हैं, वहाँ पे फाइट वाइट चलते रहती है, ठीक है, अब कह लो अंडरग्राउंड रेसलिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो भी रेसलिंग होता है वो भाई सब बहुत तगड़ा मारे से। तो गाइस हम ये वाली गाड़ी ले जा रहे हैं, ठीक है, ये जो ट्रक है, तो अभी चलते हैं, फिर लोकेशन जो है काफ़ी दूर है यार, मतलब चलो कोई नहीं, अभी तो हमें जाना ही है वहाँ पे। तो मैं आपको बोला था गाइस कि वहाँ पे अंडरग्राउंड फाइट्स होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको पैसे लगाने होते हैं, अगर आप पैसे नहीं लगाते हो वहाँ पे, आप जाते हो फाइट इंजॉय करते हो और पैसे नहीं लगाते हो तो भाई साहब वो वहाँ पे पकड़ देते हैं, बहुत ही तगड़ी वाली धुनाई करते हैं और भाई साहब पैसे तो वापस ले ही लेते हैं। और वहाँ पे किडनैपिंग काफ़ी सीन है, मतलब छोटे छोटे बच्चे को किडनैप करते हैं, तो ये सब भी सीन है गाइस, तो आपको पता ही है, ठीक है, हम एक तरह से चोर हैं ही लॉस एंजेलस में, फ्रैंकलिन और माइकल चोरी वोरी करते हैं, बट इतना भी नहीं गंदा है कि भाई साहब ये मतलब ये सब चीज़ चल रहा लॉस एंजेलस में, हम शांत रहे। तो सीधा हम चलते हैं लोकेशन पे गाइस और मैं आपको वहीं पे मिलूं। ओके गाइस, तो मुझे लगता है इस हाईवे के जस्ट नीचे है, ठीक है, जहाँ तक मैं रडार में देख रहा हूँ, मैप में देख रहा हूँ, तो नीचे मेरे को लोकेशन दिखा रहा है, नीचे जाने का रास्ता मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ से जाऊँ। ओके गाइस, तो मुझे लगता है वो सामने से, हाँ सामने से हम जा सकते हैं, नीचे पहाड़ टाइप का जो है इसके नीचे से जा सकते हैं। तो इधर ही से मैं गाड़ी को घुमाता हूँ भाई साहब, मतलब ऐसे जगह पे बनाया कि पुलिस वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे भाई साहब कहाँ चल रही है। ओके तो ओके, मुझे नीचे कुछ दिख तो रहा है, फैक्ट्री टाइप का कुछ है गाइस, ये पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री लग रही है मुझे। ओके ओके, वहाँ पे कुछ बंदे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं गाइस, तो चलो नीचे चलते बहुत ही सावधानी से। ओ भाई साहब, बेलास गैंग का आप यहाँ गाड़ी देख सकते हो भाई साहब, बेलास गैंग भी यहाँ पे आए हुए हैं। ओके तो मुझे चुपचाप यहाँ पे उतरना पड़ेगा फर्स्ट। ओके गाइस, लग रहा है वहाँ पे किसी की पिटाई विटाई कर रहे हैं यार, मतलब मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास गन वन। ओके गाइस, तो मेरे पास गन अभी है, ठीक है, कोई भी ऐसा सीन होगा तो हम लड़ सकते हैं, मैंने गलती कर दी, मेरे को वेस्ट पहनना चाहिए था। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये बंदा कैसे देख रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी है ना सब रेसलर से गाइस, मतलब कह सकते हो कोई काम धंधा ही नहीं है, नहीं खून वून करते और रेसलिंग करते हैं। तो गाइस देख सकते हो यार भाई साहब मेरे को घूर रहा है, तो चलो चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। और गाइस ओ भाई साहब, इसे मार रहे हैं यार। ओके गाइस, तो इस बंदे से पैसे लिए, ठीक है, और पता नहीं किडनैप करके लाया क्या लाया भाई, वो बंदा मुझे देख रहा है। ओके ये लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे को चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा। और गाइस आप देख सकते हो यार, गाड़ी वाड़ी पता नहीं चोरी की गाड़ी लग रही है यार, अंदर भी गाड़ियाँ हैं। और भाई इसे क्या है, इसे तो लटका रखा है, अबे फैलास गैंग के बंदे को लटका दिया भाई, जरूर इसने धोखा दिया होगा पता नहीं। अबे ये कुत्ता उत्ता भाई सब है, चौप जैसा कौन सा कुत्ता है, तो भाई बच के ही चलना होगा। और ऊपर से पता नहीं ये तेल या पानी क्या गिर रहा है। ओ भाई साहब, अंदर तो बहुत ही गंदा सीन है यार, ये सब क्या हो रहा है, अबे ये क्या मजाक चल रहा है गाड़ी के अंदर। ओके ओ भाई साहब, यहाँ पैसे देखो यार नीचे, भाई देख सकते हो कितने बड़े बड़े अमीर अमीर व्यक्ति को इन्होंने पकड़ रखा है। भाई साहब इस लड़की को भी मार रहे, बच्ची है, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ नीचे जो फोटो लगा रखा है उसे पहले लोग किडनैप करते हैं, ठीक है, पहले पता करते हैं कि पैसे वाले हैं, कितने पैसे इनके पास, फिर किडनैप करते फिर उन्हें मारते हैं, ठीक है, मुझे तो यही सीन लग रहा है। बाकी ये देख सकते हो ये अच्छा खासा एक बंदा बिजनेसमैन है, उसे भी मार रहे हैं। बाकी ये देख सकते हो ग्रीन ये सारे ग्रीन गैंग्स भी यहाँ पे हैं। बाकी मैं ओ भाई साहब, ये बूढ़े अंकल को मार रहा है भाई साहब, बूढ़े को देखो कैसे मारा गर्दन दबाकर, और छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी साइकिल भी इन्होंने चोरी कर ली है गाइस, मतलब क्या यार, मतलब इतनी गरीबी तो नहीं आ रखी है, मतलब छोटे बच्चों को चोरी किया, साइकिल सही थी चोरी कर लिया, ठीक है। तो अब हमें इनका जो खात्मा करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, फिलहाल आप देख लो यार। ओके गाइस, तो यहाँ जिम के भी इक्विपमेंट्स काफ़ी है, मुझे भी लग रहा है कि ये चोरी की इक्विपमेंट्स है। बाकी ये जेल वेल के बंदे दिख रहे होंगे आपको। ओ भाई साहब ये देखो, ये माफिया का बंदा आपको याद है। ओके गाइस, तो ये माफिया का बंदा भी जिंदा है, ठीक है, ये मरा नहीं है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, लग रहा है इनके साथ मिल गया। मुझे ये नहीं पता कि ये कौन माफिया है, ये बिग माफिया है या फिर उसका कोई भाई है या फिर उसकी फैमिली का कोई है, मुझे ये नहीं पता गाइस। ओके गाइस, अंदर देखते हो तो फाइट चल रही है यार, एक अंदर फाइटर है भाई साहब, उसकी बॉडी देख लो यार। और गाइस सामने देख सकते हो बेलास गैंग भी है, तो मुझे चुपके से निकलना है, बेलास गैंग हमें जानती है गाइस, आपको पता ही है,
हमारी दुश्मनी है बैलास गैंग से, तो फिलहाल मैं चुपके से इधर से निकलता हूँ। गाइज आज तो मैं कुछ भी पंगा नहीं लेना चाहता। ओ भाई साहब अंदर बुला रहा है, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं जाना है आज, मैं कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता भाई, आज मेरे पास कुछ नहीं है ठीक है। अगले बार आऊँगा तो माइकल और ट्रेवर दोनों को लेके आऊँगा, तब इनको बताऊँगा। ओ भाई साहब इन सबको इन्होंने किडनैप किया, देख सकते हो सामने एक लड़की है ठीक है, जिसे वहाँ पर मार रहे थे, तो मुझे लगता है बाकी को मार दिया इन्होंने, सही नहीं किया। ओ भाई साहब ये बाइक देख रहे हो यार, सही है यार इन्होंने गाड़ी वाड़ी चुरा रखी है ठीक है। ये बाइक देखो यार सिज्जू भाई साहब, बहुत ही महंगी लॉस सैंटोस की सबसे महंगी बाइक है ये ठीक है, हायाबुसा के बराबर इसकी प्राइस है। बाकी यहाँ पे गाने वाने चला रखा है, और भाई ये भी बाइक काफ़ी सही लग रही है यार, कौन सी बाइक है ये सब। ओके पीछे एक फाइटर देख सकते हो भाई साहब, 8 packs है इसके। ओके इसकी गर्लफ्रेंड है शायद, और गाड़ी भी काफ़ी महंगी है। तो गाइज मुझे लग ओके गाइज ये पैसे वैसे की बेटी है यहाँ पे भाई साहब, मतलब इन्होंने सब कुछ चोरी का रखा फिर से एक सिर्जू भाई, कितने पैसे इन्होंने रखे भाई। ओके गाइज तो यहाँ पे एक बंदे को लटका कर मार रहे, लग रहा है इसने पैसे वैसे नहीं लगाए फाइट पे इसलिए मार रहे। ठीक है गाइज इन सबसे तो बदला लूँगा, ऊपर भी एक गाड़ी लटकी हुई है, तो साथ साथ ये गाड़ी चोरी करते हैं, और मुझे लगता है कि इनके इंजन विंजन निकाल कर ये बेच देते हैं ठीक है, नकली इंजन फिट करके फिर इसे बेचते हैं मार्केट में। और गाइज इधर भी एक बंदे को मार रहे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते गाइज, अभी हमारे हाथ बंद है, या तो मैं पुलिस को लेकर आऊँगा, अगर पुलिस साथ देती है मिलिट्री साथ देती है तो मैं उन्हें लेकर आऊँगा, या फिर हम तीन बंदे काफ़ी है भाई साहब लॉस एंटोस में। तो आप नीचे कॉमेंट करो कि हमें पुलिस मिलिट्री के साथ आनी चाहिए या अकेले आने चाहिए। ओके गाइज तो ये गाड़ी शायद लॉक है तो खुल नहीं रहा है, चलो छोड़ देते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। ओके गाइज यहाँ भी एक नीचे बंदी है ठीक है, तो भाई पता नहीं यहाँ पे कुछ पता नहीं किस तरह से इन्होंने किडनैपिंग कर रखा है यार। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो बाइक है यार, बाइक भी पेगासी काफ़ी सही लग रही है। ओके तो लग रहा है इसका भी इंजन विंजन चेंज कर रहे हैं भाई, ये लोग हेडलाइट्स टायर सब कुछ चेंज करके बेच देते हैं ठीक है। ये बंदा मेरे को देख रहा है, चुपके से यहाँ से निकलते हैं, बाकी पीछे क्या है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे गाइज, अभी तो भाई अंदर ही देख लेते। ओके ऊपर भी कुछ है भाई साहब, ये सीढ़ी गई है ऊपर, क्या है, चलो यार ऊपर चलते। एक तो यार मेरा दिमाग ख़राब है, ये देख रहा हूँ ये लड़कियाँ भी यहाँ पे काम कर रही है भाई साहब, बहुत ही गुस्सा आता है। तो गाइज अभी तो मुझे बच्चे नहीं देख रहे, पता नहीं इन्होंने बच्चों को कहाँ किडनैप करके रखा है, तो उनको भी हम ढूंढेंगे। तो फिलहाल तो आप नीचे कमेंट करो भाई कि मेरे को हम मतलब माइकल मैं और ट्रेवर हम तीनों आए इन्हें मारने, या फिर हम पुलिस गैंग और मिलिट्री गैंग सबको लेकर आए ठीक है, और उन्हें लेकर आएंगे तो हमारा काम ईजी हो सकता है, बट वो साथ देंगे नहीं देंगे हमें ये तो नहीं पता, क्योंकि हमारी दुश्मनी उनसे भी है। तो आप जैसा कमेंट में कहोगे वैसा सीन होगा नेक्स्ट वीडियो में। गाइज ये देख सकते हो तो यार ऊपर से तेल गिर रहा है। ओके मैं बोला था पानी गिर रहा नहीं, लेकिन ये तेल गिर रहा है, पता नहीं क्यों गरम तेल है क्या है भाई मतलब। ओके गाइज तो ये देख सकते हो ये बंदे आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ से पैसे लुटा रहे हैं ठीक है, ये देख सकते हो पैसे वैसे लुटा रहे हैं। ओ भाई साहब पैसे कितने फेंक रहे हैं। बाकी यहाँ से नीचे देख सकते हो फाइट का सीन चल रहा है बैलास गैंग को, तो मैं देख के दिमाग मेरा ख़राब हो जा रहा है गाइज। और यहाँ पे काउच वाउच डाला है भाई, अमीर अमीर कोई आया तो यहाँ बैठेगा। ओके ये गेट वेट तो नहीं खुलता है। तो भाई साहब मतलब मुझे पता नहीं था कि इतने खतरनाक चीज़ें लॉस एंटोस में हो रही है ठीक है, ये मतलब हमारे मतलब सोच के बाहर है गाइस कि मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को ला रहे हैं ठीक है, जो आम जनता है वो आ रही इंजॉय करने के लिए, वो समझ रही WWE की रेसलिंग चल रही है, हमें लगा WWE फाइट चल रहा भाई सब, किसी को भी लगेगा यार कोई अगर प्रमोशन करता है एडवर्टाइजमेंट तो भाई WWE की फाइट चल रही है, लेकिन यहाँ तो भाई सब अंडरग्राउंड फाइट चल रही है, और पैसे वैसे और खून खराबा की बात हो रही है, मतलब मौत के मुँह से निकलो ये वाली बात है, मौत के मुंह में घुसने वाली बात है ठीक है गाइस। तो हम यहाँ से अब चुपके से निकल लेते हैं गाइस, हम यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते। और भाई सब तेल वेल कितने गिर रहे इधर साइड से। ओके ये बैलास गैंग वाले ठीक है, चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। ओ भाई साहब ये पीछे घूम रहे हैं, चलो भाई आगे घूम गए, निकलो भाई यहाँ से जल्दी निकलो ठीक है। ओके तो अरे यार इस अंकल को मार रहा है, मेरा दिमाग खराब है, बच्ची को मार रहा है, अभी कुछ हम नहीं कर सकते गाइस। अब देखो कितने बंदे हैं भाई, एक गोली अगर मैं चलाऊँगा तो मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक ढूंढ देंगे ये अच्छे से ठीक है। ओ भाई साहब इसे भी बाढ़ मार रहा है, पता नहीं यार ऊपर से पुलिस देखती नहीं है, फिर पुलिस लॉस एंटोस इग्नोर करती है, वो भी जानती है भाई हमारी औकात नहीं है ठीक है। तो चलो हम तो इनका बदला लेंगे, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ से चुपके से निकलता हूँ। अगर किसी को भी शक हो गया गाइज, इन्हें लगा होगा कि मैं आया हूँ यहाँ पे देखने ठीक है, इन्जॉय करने, बाकी मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे से अभी पंगा नहीं हुआ। मैं पता है ना वहाँ पे कि मैंने कपड़े इसीलिए चेंज किए थे, अगर गाइज वो देखते कि महंगे कपड़े महंगी गाड़ी है हमारी तो वो पक्का हम पे अटैक करते ठीक है, अगर हम पैसे यहाँ पे नहीं देते तो हमें वो किडनैप करते, हमें भी ऐसे ही मारते। बट मैंने पता ही आपको ये ट्रक लाया ठीक है, और बाकी यही सब चीज़ें ऐसे कपड़े वपड़े पहन के आए तो भाई बच गए हम ठीक है। अभी हमें निकलने दिए, सोचे कि भाई छोटे मोटे आदमी है तो हमें निकलने दिए। तो फिलहाल मैं गाड़ी को यहीं लगाता हूँ,
तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि आज की वीडियो कैसे लगी और जो आज की स्क्रिप्ट थी, कहानी थी, वो आपको कैसी लगी। और आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर इस कहानी को मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना कि हाँ भाई कंटिन्यू करो। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।